अच्छा मुझे बताओ, जब जलन की स्क्रिप्ट आई, पहला इम्प्रेशन क्या था निशा को पढ़ के? निशा ही मिला था या मीशा भी ऑफर हुआ था, या निशा ही ऑफर हुआ, क्या अच्छा मुझे स्टोरी क्या है पीछे की? निशा ही ऑफर हुआ था बेसिकली. जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने, मेरा था वाई नॉट, बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस कैरेक्टर, फॉर सम कैरेक्टर लाइक दिस फॉर ऑल माई लाइफ. क्योंकि बचपन से ही यू नो वी आर डूइंग प्रोजेक्ट्स, और बीइंग चाइल्ड स्टार से आप एक हीरोइन तक की जो जर्नी है, बीच में काफ़ी कैरेक्टर्स हैं उसमें. सो एक ऐसा कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ जिसके लिए मैं आगे कोई सेकंड थॉट था ही नहीं, उसके था व्हाई नॉट ये. लेकिन क्या चीज स्टक की उसकी, यू नो लाइक जब पढ़ रही थी निशा को, तो क्या लाइक उसकी उसकी बोल्डनेस, उसकी मुझे निशा बेबाकी? पूरी उसकी बेबाकी, जितना स्पॉन्टेनियस, इतनी अनप्रिडिक्टेबल निशा है वो. उसने काफ़ी मतलब जैसे जैसे वो सीन्स आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे सिचुएशंस वो क्रिएट करती थी खुद को वहाँ से निकालने के लिए, तो वो मैं कहती थी कि यार वाकई होते हैं इस तरह के लोग, आप भी काउंटर करते हैं सेम एज नॉट निशा, बट क्वालिटीज उनमें निशा वाली होती हैं जो हम अपनी यू नो डेली लाइफ में उसको आगे कैरी कर रहे होते हैं. सो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और जब मैंने इसकी इन्वॉल्वमेंट देखी, जब मैं आगे बढ़ती गई आगे बढ़ती गई, एक्सट्रीम होता गया होता गया होता गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए एक ग्रिपिंग कैरेक्टर था. सो आई डेंट वॉन्ट लेट इट गो एनी हाउ. अच्छा, पहले तो वो हसद में भी और उससे पहले भी यूजुअली ना ज्यादातर यू बीन क्राइंग, ठीक है, डायलॉग्स भी कम होते थे. अभी मुश्किल हो रहा था क्योंकि इसमें तो निशा चुप ही नहीं करती है, निशा इसमें तो माशाल्लाह से निशा गप्पे कुछ गप्पे करती लगा, नहीं है, हाँ, बोलती रहती तो थोड़ा है. सा फर्क लग रहा था कि यार अभी तो मुझे जाके दो दो बुक्स हैं जो मुझे डायलॉग्स की याद करनी है. अच्छा, हसद में भी ज्यादा तो एक्सप्रेशंस थे ना, डायलॉग्स एक्सप्रेशन कम, से बहुत कम डायलॉग्स थे. कम थे. हाँ, सो इसमें एक्सप्रेशंस एंड अच्छा, डायलॉग्स हसद हैं. जो नैन तारा थी ना, नैन तारा तो बिल्कुल ही एक मजलूम कैरेक्टर था, बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ थी. डिफरेंटली. और जब निशा किया ना, तो आपको ना लोग, मुझे लगता है कैटेगरीज आपके बना देते हैं कि एक ही कैरेक्टर कर सकते हैं, ऐसे ही है, मिनाल तो रोते हुए प्यारी लगती है. सो आई वॉन्टेड टू ब्रेक इट, आई वॉन्टेड टू शो पीपल वॉट आई यू नो आई कैन डू, आई ऑफकोर्स. कैन एक्ट, आई कैन डू बेटर. मुझे आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, एक एक्टर को स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है, बिकॉज एक्टर में वर्सैलिटी होनी चाहिए सब कुछ करने के लिए. बिल्कुल तो बिल्कुल. वाई नॉट कि आप अपने, ज़रूरी नहीं है कि आप रोती धोती बनती रहें, ज़रूरी है कि आप उस कंफर्ट जोन में से बाहर हैं और डू समथिंग वेरी डिफरेंट जो कि आपको भी करने में मजा आए. सो जब मैं निशा के सेट पे जाती थी, तो मेरी शुरू, व्हेन आई वाज प्लेइंग नैनतारा हसद में, मैं घर जाती थी बहुत डाउन, बहुत डिप्रेस, बहुत डाउन, पुफी आईज और ऑलवेज सैड, बिकॉज सिर्फ उसी वक्त हम कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे जब हम स्क्रिप्ट रीड कर रहे होते हैं. जब हम एक सेट पे जाते हैं तो हम गाड़ी से उतर के ही उस कैरेक्टर में ही जाते हैं, ताकि हम पूरा दिन उसमें रहें और अपने अपना काम बेहतर कर सकें. बट जब मैं निशा करके घर आती थी, आई वॉज अ बॉम्ब, लाइक आओ भाई और कौन है, किससे बात करनी है और क्या करना है. सो आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी, आई एंजॉयड इट सो मच. सी अभी भी है, मुझे लगता है सम विद इन माई सेल्फ आई कैरी थोड़ी सी एनर्जी ऑफ निशा, नॉट द नेगेटिव पार्ट बट द पॉजिटिविटी जो उसमें था कि यू नो. तो लोग क्या, घर आती थी तो लोग दरवाजे बंद करते, अरे भाई ये आ गई, अब निशा घर आ गई, मम्मा बंद मुझे बोलती थी करो, तुम्हारी जबान दरवाजे क्यों नहीं बंद होती, तुम्हारी जबान क्यों नहीं बंद होती, क्यों लड़ना चाहती हो हर किसी से घर आके, क्यों शोर मचाती है, पता ही नहीं जान, मेरा दिमाग खराब हो गया. बट वो फिर आपको कहीं कहीं आपको कंट्रोल भी करना पड़ता है कि आप कैरेक्टर को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं कर नहीं सकते करें. कि वो आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर दे. तो मुझे ये बताओ, सबसे पहला सीन कौन सा शूट किया था, द वेरी फर्स्ट सीन? सबसे पहला सीन मैंने जो शूट किया था, मैंने किया था, एक सीन था जिसमें आपने देखा होगा फर्स्ट एपिसोड में वो रिश्ता देख कर जाते हैं उसका, और वो बड़ी सी गाड़ी देखती है निकलती हुई, और छोटी सी गाड़ी में ड्राइव करके आ रही होती है अहमर के साथ. सो वो आके कहती है किसकी गाड़ी है, तो कहता है कि होगी किसी की, कहते हैं नहीं लेकिन ये हमारे घर से निकली है, गाड़ी किसकी है. तो उसको वो चीज़ अटक जाती है माइंड में कि हमारे घर में इतनी बड़ी गाड़ी पहले तो कैसे. आज तक आई नहीं, तो ये है किसकी. हाँ. तो वो घर जाती है, जब उसको पता चलता है कि मिशा का रिश्ता आया है, तो फिर वो कहती है अच्छा मिशा का रिश्ता आया है. उसके बाद एक सीन था जब वो अपने बाबा को चाय दे रही होती है, उनको कन्विंस कर रही होती है. बेसिकली निशा हैज़ अ पावर ऑफ हिप्नोटाइजिंग एवरीबॉडी, जो वो कहती है ना, वो लोग कहते हैं ना आपको, आपके ऊपर असर हो जाता है, आप कर देते हैं कि लोगों को अपने उसमें ले आते हैं, हिसार में ले आते हैं, असर बोल रहे हैं, हिसार में ले आते हैं. वो अपने बाप को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है बैठ के, कि शादी बाबा नहीं करें, एक ही दिन तो वो आए हैं, आपने कैसे, सोच लें सोच लें सोच लें. तो दैट वॉज माई फर्स्ट सीन, और वो अहमद साहब के साथ था मेरा पहला सीन. तो आई वॉज वेरी नर्वस, बिकॉज मैंने
इतने सीनियर एक्टर के साथ पहली बार काम करी थी और यू नो उनकी उर्दू का तलफ़ उनका बोलना और हम आजकल के बच्चे हैं उनको तो ज़ाहिर है उनके तो मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे. तो पहला जब मेरा सीन हुआ तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज सी थी, लेकिन फिर आबिस भाई हसद भी मेरा आबिस भाई ने डायरेक्ट किया था. तो आबिस भाई की मुझे सबसे अच्छी बात डायरेक्टर की अपनी ये लगती है कि वो आपको एक कैरेक्टर बना देते हैं. वो मुझे इस तरह सिखाते थे कि रिपीट आफ्टर मी, बिकॉज तुम मेरे अंदर फंसी हुई है वो रोने वाली औरतें, उनको मार दो. उनको मारो कहीं निकाल, रिपीट आफ्टर मी, जैसे मैं बोल रहा हूँ जस्ट से लाइक दैट. इसी तरह तो आबिस भाई के साथ मैं प्रॉपर बैठ के रिहर्सल्स करती थी. वो मेरा जुमला बोलते थे, मैं दोबारा से अपनी लाइन कहती थी, रिहर्स करती थी कि अच्छा ये करना है, अच्छा ये बोलना है, आप ये बोलना है. सो बहुत मज़ा आया कैरेक्टर प्ले करने में. पहले सीन जब हुआ और जब लास्ट सीन हुआ तब पता ही नहीं चला कि कितना लंबा टाइम गुजर गया और आज तक मैं मिस करती हूँ. जनवरी में वी रैप द शूट फॉर जलन, जनवरी में, सो बिफोर द लॉकडाउन. और फिर उसके बाद से आज तक मैं ये बात सोचती हूँ कि कितनी जल्दी टाइम गुजर गया, कितना ज़बरदस्त कैरेक्टर था. पता नहीं अब कब ऐसा कोई कैरेक्टर होगा जो मैं प्ले करूँगी और मैं इतना इन्जॉय करूँगी उसमें. मुझे ये बताएं इमाद के साथ पहला सीन कौन सा था? सो जब मुझे पता चला कि इमाद इरफानी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनका चीख आप सबको पता है वो गुजरा था और शयान ने जो टेक ओवर किया हुआ था हमारा पूरा ड्रामा प्लॉट सारा कुछ, शयान. सो जब मैंने वो कैरेक्टर किया मैंने कहा ओह माय गॉड आई एम प्लेइंग ऑपोजिट टू इमाद इरफानी. सो व्हेन आई टोल्ड माय मॉम एंड माय खाला सो शी वाज लाइक कि उनको जरूर बताना कि हम उनको बहुत पसंद करते हैं. मैंने कहा मम्मा मैं उनके साथ यू नो दिस इज ह्यूज क्योंकि तो वो मुझे उनके साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस था. इमाद बेसिकली इज अ हाउस ऑफ टैलेंट, हाउस ऑफ टैलेंट, हाउस. वो एक टीचर भी हैं आपके, वो आपको पूरा गाइड भी करते हैं, वो आपको बताते भी हैं और वो जिस तरह से कैरेक्टर्स को आपने उनको देखा होगा, आपने भी उनका इंटरव्यू किया है, तो वो जितनी डिटेल में जाते हैं कैरेक्टर्स की, सो ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द कैरेक्टर, कि कैरेक्टर होता क्या है, कैरेक्टर बनता कैसे है, कैरेक्टर में क्या आप वेरिएशन ला सकते हैं. सो आई लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम हिम. और मेरे इतने डिफिकल्ट से जब मैंने पहला सीन किया तो आई वॉज लाइक यू नो इमाद इरफानी ओके शायान. मैंने कहा ओके बट वो इतना उन्होंने, अगर तो मेरे साथ इमाद और आबिस भाई नहीं होते और उनकी सपोर्ट नहीं होती तो निशा कभी भी इस तरह से नहीं होती. तो मुझे बताओ नेगेटिव कैरेक्टर है, डर नहीं लग रहा था कि क्या रिएक्शन आएगा फैंस की तरफ से, लोग क्या, बिकॉज माशाल्लाह से योर यू नो आपका जो ग्राफ है वो बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है करियर का ना, इस वक्त एक नेगेटिव कैरेक्टर करना इज अ बिट ऑफ अ रिस्क, तो क्या दिमाग में चल रहा था? ये रिस्क मैंने पूरा 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 अपने फैंस के लिए लिया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो एवरीबडी जो मेरे फैंस हैं जो मुझे पसंद करते हैं देखना कि यू नो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मी, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट, और ये कैरेक्टर है और ये उन लोगों को पहचानना ज़रूरी है कि वट यू नो कैरेक्टर्स में डिफ्रेंशिएट लोग कर सकें. कि ये नहीं है कि अगर तो वो मासूम सी है तो वो रियल लाइफ में भी ऐसे होंगे. मैं मासूम हूँ रियल लाइफ में भी, बात ये नहीं है कि मैं मासूम नहीं हूँ.